दोस्तों आज भारत वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मुकाबला खेलने जा रहा है। बस कुछ ही देर में भारत और अफगानिस्तान का महामुकाबला शुरू होने वाला है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने दो बड़े बदलाव के साथ भारत की खतरनाक और फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और ऐसे ऐसे खतरनाक और खोखार खिलाड़ियों को शामिल किया जिसे देख कर अफगानिस्तान की टीम थर थर कांप रही। वहीं दोस्तों इस मैच में विराट कोहली से पंगा लेने वाले नवीनुल हक की खैर नहीं, विराट कोहली आज उनकी जमकर पिटाई करने वाले हैं। वहीं दोस्तों ये महामुकाबला आज कब कहां कितने बजे शुरू होगा और कप्तान रोहित शर्मा ने कौन से 11 खतरनाक खोखार पप्पर शेरों का ऐलान कर दिया, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी खबर। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार का वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं ये मुकाबला कब कहां कितने बजे खेला जाएगा। दोस्तों ये वर्ल्ड कप का नवा मुकाबला होगा जो भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला 11 अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों ही टीमें 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत ने 2 मैच जीते वहीं 1 मुकाबला टाई हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 के बारे में। कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव के साथ उतरेगी और भारतीय टीम कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं भारत की ओपनिंग जोड़ी के बारे में। तो इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने बदलाव किया, इस मैच में शुभमन गिल को शामिल किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में ईशान किशन बुरी तरह फिलाप रहे थे। ईशान किशन इस मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए, तो इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को खिलाया क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुभमन गिल भारत के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज बन चुके हैं, जो अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं और इस समय शुभमन गिल शानदार फॉर्म से चल रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की, तो पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फिलाप रहे थे और 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों जब रोहित शर्मा एक बार क्रीज पर जम जाते हो तो इन्हें आउट करना आसान नहीं होता, ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अब बात करते हैं पोजीशन नंबर 3 की, तो यहां पर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली खेलेंगे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसीबत वक्त में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, विराट कोहली ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 116 गेंदों पर 85 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी। ऐसे में एक बार फिर से विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले से आग उगलते हुए दिखने वाले हैं। वहीं चौथे नंबर पर सिरेज अय्यर खेलेंगे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों सिरेज अय्यर चौथे नंबर पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सेंचुरी लगाई थी, इसलिए अय्यर अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छे बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं केएल राहुल इस समय बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। केएल राहुल ने इस मैच में विनिंग पारी खेली थी, इन्होंने 115 गेंदों पर 97 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर भारत के बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक पांड्या लास्ट में कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, वहीं गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन करते हैं। ये भारत के इस समय एक परफेक्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे, इन्हें भारत का सबसे खतरनाक 3D प्लेयर कहा जाता है क्योंकि जडेजा गेंदबाजी तो खतरनाक करते हैं, बल्लेबाजी में गजब का प्रदर्शन करते हैं और फील्डिंग में गजब का एफर्ट दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने 10 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। नंबर 8 पर रविचंद्र अश्विन खेलेंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन ने काफी किफायती गेंदबाजी की और 1 विकेट निकाला भारत के लिए। नंबर 9 पर चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। दोस्तों कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 2 विकेट ली और काफी शानदार गेंदबाजी की। वहीं दोस्तों नंबर 10 पर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। बुमराह इस समय खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी किफायती गेंदबाजी की, उन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। नंबर 11 पर स्विंग के किंग मोहम्मद सिराज खेलेंगे। सिराज भी इस समय काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, ये पावर प्ले में स्विंग से बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं। तो दोस्तों ये अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की खतरनाक प्लेइंग 11। दोस्तों आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतने वाला, भारत या फिर अफगानिस्तान की टीम, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। वहीं वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।